हेलो स्टूडेंट, आई एम पिनल गरासिया फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इन इंग्लिश ग्रामर, द सेंटेंस। स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक वर्ड दूँ, मतलब मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, तो आप उस वर्ड के रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना। जैसे एप्पल, तो आप क्या बनाओगे? आई लाइक एप्पल, ऐसे कुछ ट्राई करोगे। ठीक है, फिर मैं आपको दूंगी कौन सा वर्ड? आइसक्रीम। यस, आइसक्रीम। तो आपको सेंटेंस बनाना है, आप कैसे बनाओगे? आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, या फिर आई एट एन आइसक्रीम यस्टरडे, मैंने कल आइसक्रीम खाई थी। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप सेंटेंस बनाते हो। तो ये जो सेंटेंस है, ये क्या है? ये एक वर्ड्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप है, और उसको प्रॉपर जगह प्रॉपर मैनर में रखो तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो वो कैसे बनता है? आपको सेंटेंस बनाने के लिए कुछ जो बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी। तो वो क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर एंड मेक्स कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस है वो जो सेंटेंस है वो शब्दों का यानी वर्ड्स का ग्रुप होता है, और वो एक साथ होते हैं ताकि वो कंप्लीट सेंस में, मतलब कंप्लीट मीनिंग्स उसका हो पाए। अ सेंटेंस begins with a capital letter and ends with a full stop or question mark। जो हमारा sentence है वो कैसे start होगा? capital letter से start होगा, and कैसे ख़त्म होगा? yes, punctuation marks के साथ। तो वो कौन से होंगे? full stop और question mark। हम सेंटेंस बनाते हुए ये बातें ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और उसका एंड पंक्चुएशन मार्क्स कौन से हैं? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, तो उसके साथ उसका एंड हो। ठीक है, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज एन एक्शन वर्ड। जो सेंटेंस है वो हमेशा एक्शन वर्ड में होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड दिस ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। कैटी इज वेयरिंग अ न्यू स्कर्ट। कैटी ने न्यू स्कर्ट पहनी हुई है। ये सब वर्ड्स है। कैटी वेयरिंग न्यू स्कर्ट, इट इज अ वर्ड्स, एंड दे पुट्स टुगेदर इन कंप्लीट सेंस। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेटर है, मतलब बिगिनिंग जो लेटर है वो बिगिनिंग कैसे हुआ है? कैपिटल लेटर है, और यहाँ पे एंड किससे हुआ है? पंक्चुएशन मार्क क्या है? फुल स्टॉप। नाउ आलोक राइड्स हिज बाइसिकल टू स्कूल। आलोक उसकी बाइसिकल पे स्कूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए कैपिटल किया गया है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, और ये सब वर्ड्स ग्रुप, वर्ड्स का ग्रुप है। ठीक है, नाउ हाउ मैनी एग्स आर देर इन द बास्केट। ये क्या है? यस, इट इज ऑल्सो सेंटेंस, बट इट इज अ क्वेश्चन मार्क। नाउ ये जो है वो हाउ मैनी एग्स,
हाउ जो है वो उसका जो एच है वो कैपिटल है और यहाँ पे जो एंड हुआ है वो क्वेश्चन मार्क से हुआ है। ये भी एक सेंटेंस है, देर आर 5 eggs इन द बास्केट। यहाँ पे क्या है, देर आर 5 eggs इन द बास्केट। यहाँ पे टी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कैसे होगा, पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप। ऑल ऑफ दीज आर सेंटेंसेस, ये सब सेंटेंसेस है। द वर्ड्स आर अरेंज टू मेक सेंस, जो वर्ड्स है वो प्रॉपर सेंस निकल सके ऐसे अरेंज किए गए हैं। दे स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, ये सब स्टार्ट कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। एंड दे एंड विथ अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क, और उसका एंड कैसे होता है, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क से। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आप रीड करो। सिरिन लिव्स इन लंदन। नेक्स्ट, आई लिव इन सरिता विहार। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, मतलब फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, और उसका जो मतलब स्टार्टिंग हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको अपनी नोटबुक में करेक्शन करके लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।